Come on! Assalamualaikum दोस्तों, तो आज मैं आया हूँ बीच लकड़ी जहाँ सिंध लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है. इट्स एन अमेजिंग फेस्टिवल. बाकी मुझे नहीं पता कि क्या क्या होने वाला है, वो तो आप सब मेरे कैमरे से देख लेंगे. लेट्स सी, मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा कि जब मैं अंदर आ रहा था बहुत ज़्यादा रश था, लोग जो है बहुत तेज़ी से अंदर आ रहे हैं. एंड ओबियसली ये सिंध लिटरेचर फेस्टिवल है तो ये सिंध के बारे में होगा, सिंध के सकाफ़ती चीज़ें और सिंध में जो है और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मीडिया स्टूडेंट्स के लिए हैं. तो मैं दोस्तों से कहूँगा कि वो हमेशा ऐसे इवेंट्स में आए ताकि लोगों से जो है नेटवर्किंग बने, आप लोगों से मुलाकात करो, उनसे बात करो, तो नेटवर्किंग बनती है और आप एक्टिव रहते हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मीडिया स्टूडेंट कि वो ऐसे इवेंट्स अटेंड करें, वो लोगों से मिलें. एंड मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों से, पुराने लोगों से मुलाकात होती है जिनसे आप कभी मिले नहीं होते. तो थैंक यू सो मच एस एल एफ फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज फॉर कराची पीपल. एंड वी होप आप सब आएंगे और इन्जॉय करेंगे, तो ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर अटेंड करें. तो बेसिकली यहाँ बुक्स सारी सिंधी ऑथर्स की रखी हुई है, बट स्टिल इट्स अमेजिंग. बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत रश बुक्स भी मेरी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग जो है बुक्स खरीद रहे हैं और ये पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है. लग्जरी में सब बहुत अच्छा है, बट जो वॉशरूम की फैसिलिटी है ना वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए. दो वॉशरूम में 100 लोग खड़े हुए थे, एक घंटे बाद आपको आपका नंबर मिलता है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है. बट स्टिल मैंने तो कर लिया और सुकून मिल गया, तो अब मैं सुकून से कुछ बोल सकता हूँ लोग के बारे में. मेहनत का शे जो आज सिंध की आवाम की हिम्मत कर रहे हैं, हमारे लिए सब के सब वो सिंध में बसने वाले सिंधी हैं. ये बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि मैं ज़्यादा इस्लामाबाद में रहता हूँ, वहाँ पर अक्सर वैसे कैसा लग रहा है ऐसे लगे बहुत अच्छा. आप क्या लोगों को मैसेज देंगे? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत प्लस स्टेशन रखे गए हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं आर्टिस्टिक जो यहाँ पे इस बार जो है उससे लगने में कमी महसूस हो रही है. लेकिन जो पिछली बार थी यहाँ पे यूनिवर्सिटी मौके पर कॉन्ट्रीब्यूट किया था, इस बार जो किसी यूनिवर्सिटी ने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया है, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी SMIU है या इकरा यूनिवर्सिटी है, IBA संगर है, जो मुख्य यूनिवर्सिटी थी. लेकिन एक और सवाल है, मतलब आप क्या कहोगे फ्यूचर में ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए या नहीं? मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो होनी चाहिए, क्योंकि एक गैदरिंग पॉइंट है, हम बहुत दिनों के बाद मिलते हैं यहाँ से. एक तो हम सिर्फ फेसेस जो देखते हैं FB पे या मुख्य सोशल मीडिया साइट्स पे, वो यहाँ पे हमें एक दूसरे से मुलाकात का मौका मिलता है. ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, नेटवर्किंग का मौका मिलता है. मैं ऐसे दोस्तों से मिला हूँ जिनसे मैं सालों में नहीं मिलता, बट ऐसे इवेंट्स में आप मिलते हो. तो थैंक यू सो मच SLF एंड जुनैद. तो इवेंट की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको चाय मिल जाए, चाय बस इवेंट वैसे ही अच्छा हो जाता है. तो मुझे वैसे तो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि सिंधी लैंग्वेज आती नहीं है, बलोची में सीख रहा हूँ, सिंधी सीखने के लिए मुझे बहुत अर्सा लग जाएगा. सो रिक्वेस्ट है SLF वालों से कि कहीं उर्दू के थोड़े प्रोग्राम कर लिया करें, बाकी चाय थोड़ी सस्ती रखिए, तुम्हें पता है चाय के आशिक बहुत ज़्यादा होते हैं. ओ मुझो जमालो जतन सा, मुझो जमालो आ सिंध सा, ये सिंधी सुन लाल जी, जे मेरो जो लाल लतीफ जो. असं के सिंध ते डाढो नाज़ आ, ई सिंध समूरी सच आ. बाकी जेड़ी तिन जी बोली कोयल जा आवाज थई, मुझी सिंधु धरती ते कुदरत जो विराज थई. ओ जी के साओ लकुण. बेसिकली ये था सिंध लिटरेचर फेस्टिवल. मैंने बहुत डांस भी किया था, उसकी वीडियो तो नहीं डाल सकता, थोड़ा सा रेपो का मसला है ना. और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच ऑल दिस सपोर्ट के लिए. मुझे जमालो आ सिंध सा, ये सिंध.